Morning students, I am going to continue your chapter 100 dresses, page by explanation, page number 75. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो दोनों गर्ल्स हरी अप करती बुगिन हाइट्स जाती हैं देखने के लिए कि कहीं वैंडा प्रिटनर्स के वहाँ से चली तो नहीं, उन्हें उसे सॉरी बोलना था, मगर वो जाके देखती हैं कि वहाँ पर वो नहीं है. अब आगे, देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, बट देर वॉज नो आंसर. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, स्टिल देर वॉज नो आंसर. वो लोग उनके घर के पीछे भी गए, नॉक भी किया, सब देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था. देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द प्रेटरेंस की वेर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक एमेंड्स. अब बिल्कुल डाउट नहीं था, उनको पता था कि हाँ वो लोग वहाँ से शायद चले गए हैं. मगर अब टू शो दैट वन इज सॉरी बाई डूइंग समथिंग गुड, अब वो कैसे उस पर एमेंड करेंगे. दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन टू हिल. अब वो धीरे धीरे फिर अपने घर की तरफ वापस आ गए. कौन? पेगी एंड मैडी. वेल एनी वन, सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ. एनी वे, वेल एनी वे, सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो वॉट कैन बी डू. अब वो पेगी जो है कह रही है चलो अब हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से चली गई. वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, शी प्रॉबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राॅइंग्स, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. वो अपने आप को कंसोल कर रही है, ये कहकर सांत्वना दे रही है कि चलो वो चली गई, हम क्या कर सकते हैं, मगर देखो मेरे इन क्वेश्चंस के कारण उसके अंदर ये बहुत सारी आइडियाज आई, तभी तो उन्हें इतने अच्छे अच्छे गुड डिज़ाइंस बनाए, ड्राॅइंग्स बनाई 100 ड्रेसेस की, तभी मैंने वो कॉन्टेस्ट कैसे जीतती. मैटी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इट देर वॉज एनीथिंग इट इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. अब मैडी ने यही चीज़ अपने माइंड में भी फीड कर ली, उसने कहा कि मुझे भी इसके बारे में उतना बुरा नहीं लगना चाहिए. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, फिर भी वो रात को सो नहीं पाई मैडी. शी थॉट अबाउट वैंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. अब वो सब कुछ वापस सोने लगी, वो घर, वो फेडेड घर, वो ब्लू ड्रेस जो हमेशा पहनती थी. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. और फिर वो ग्लोइंग इतनी ब्राइट पिक्चर्स 100 ड्रेसेस की जो उसने बनाई थी, जो क्लासरूम में ले डाउन कर रही थी 100 ड्रेसेस की. At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. फिर वो उठ कर बैठ गई, अपने सिर को अपने हाथों से दबा कर सोचने लगी. This was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. फिर बहुत समय बाद बहुत मुश्किल से उसने एक अपने अंदर एक conclusion लेकर आई, एक विचार लेकर आई. She was never going to stand by and say nothing again. उसने मन में विचार लिया मैडी ने कि अब वो कभी भी किसी के साथ खड़ी नहीं होगी और कभी किसी को कुछ ऐसा बोलेगी नहीं. If she ever heard anybody picking on someone because they are funny looking or because they had strange names, she would speak up. Even if it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. अब उसके मन में ये क्यों आया? क्योंकि उसको पता था कि अब वो वैंडा प्रेटरेंस की सॉरी तो नहीं बोल सकती, जो चीज़ हो गई उसे रेक्टिफाई तो नहीं कर सकती, मगर इन फ्यूचर अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी. अब वो कभी किसी को अगर कोई चिढ़ा रहा हो, ये सुन रही हो कि कोई इसे चिढ़ा रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है किसी के नाम के कारण या उसके कपड़ों के कारण, कुछ भी हो तो वो अब उसके साथ खड़ी होगी, उसके अगेंस्ट खड़ी होगी, उसे कहेगी ऐसा करना नहीं है, चाहे उसके कारण उसे पेगी की फ्रेंडशिप भी क्यों ना छोड़नी पड़े, क्योंकि वो जो राइट है उसके साथ खड़ी रहेगी हमेशा. अब वो वैंडा के साथ तो कुछ नहीं कर सकती, मगर आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और कभी हो तो उनके साथ वो खड़ी रहेगी और ऐसा कभी नहीं करेगी कि वो ऐसा कुछ फील करे, क्योंकि कोई भी अनहैप्पी आगे वापस नहीं होगा. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वैंडा पेट्रोन्स की. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वैंडा शी हैड वन. शी टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्रॉइंग्स वेर एंड दे आर आस्ड हर इफ शी लाइक्ड वेर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. दे हैड मेंट टू से दैट very sorry, but it ended up with just writing a friendly letter, the kind they would have written to anybody friend, any good friend, and they signed in lots of X for love. They mailed the letter to Bugin Heights, writing please forward on the envelope. अब उस सैटरडे को मैडी पेगी दोनों आफ्टरनून में वैंडा पेट्रोस को फ्रेंडली लेटर लिख रहे थे. वो बता रहे थे कि उसने कॉन्टेस्ट जीता है और वो पूछना चाहते थे कि उसकी वहाँ पर किस तरह से लाइफ चल रही, कैसे हैं वहाँ के नया एनवायरनमेंट, नया स्कूल, नए टीचर. और वो चाहते थे कि सॉरी बोले, मगर वो बोल नहीं पाए और लेटर को फ्रेंडली एंड कर दिया, जैसे किसी अच्छे मित्र के साथ वो करते हैं. डेज पास्ड एंड देर वॉज नो आंसर, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. सो मे बी वैंडा हैड रिसीव्ड इट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट going to answer.
यू कुड नॉट ब्लेम हर। अब क्या हुआ कि उन्होंने लिखा था उस लेटर पे कि अगर नहीं पहुंच पाए तो उसे वापस यहीं इसी एड्रेस पे पहुंचा दे, मगर बहुत दिन के बाद भी वो लेटर वापस नहीं आया और उसकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि हाँ वो रिप्लाई क्यों देगी, उसे मिल तो गया होगा, वो इतनी नाराज़ थी हमसे कि उनको कोई भी होता तो हमें रिप्लाई नहीं देता। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। कई हफ्ते बीत गए फिर भी वेंडा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस अबाउट वेंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस her lips together in a tight line the way she did before answering Maddie could cry out stop then everybody would feel ashamed the way she used to feel। अब कई दिन बीत गए, पेगी ने उन सब चीज़ों को भूल भी गई, मगर मैडी जो है अपने आप को पुट हर्सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचलेस अबाउट वेंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम द ग्रेट क्राउड्स ऑफ द गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर। अब वेंडा अपने मन में विचार लाती थी कि कभी ऐसा होगा तो वो उसको प्रोटेस्ट करेगी, उनको बचाएगी। शी एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी वुड डू फॉर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। अब उसके मन में वो सारी चीज़ जो सोच रही थी ना, कभी कोई किसी के साथ ऐसा करेगा टीज़ करेगा तो उसके साथ खड़ी रहेगी, उसे चिढ़ाने नहीं देगी, वैसे ही उसके रात को सपनों में आता था। और वेंडा को जैसे कोई बोल रहा हो, चिढ़ा रहा हो, तो वो अपने मुंह दबाकर खड़ी होती थी, वो जवाब नहीं दे पाती थी। वैसे ही मैडी अब बोल्ड होकर वो कहने लग गई थी स्टॉप, और सब लोग जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करते थे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। Christmas bells and a small tree decorated the classroom on the last day of the school before the holiday. The teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस की छुट्टियाँ पढ़ने वाली थी, क्रिसमस का लास्ट डे था, पूरा स्कूल क्रिसमस बेल्स और ट्री से डेकोरेट हुए हुए थे, और उस दिन हॉलीडेज के एक दिन पहले लास्ट डे स्कूल में टीचर ने कहा कि उनके पास एक लेटर आया है। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोल्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट। वेल शी वॉज राइट, शी हैज़ रिटर्न मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई एम send her medal I want to read her letter to you। The class sat up with a sudden interest and listen intently। मैडम ने कहा कि आप लोग जानते, याद है आप लोगों को वेंडा पेट्रोल्स की जो गिफ्टेड गर्ल है जिसने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हैं, उसका एक लेटर मुझे आज आया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उसका एड्रेस मिला है, अब मैं उसे अपना वो मेडल पहुँचा सकती हूँ। पूरी क्लास काम हो गई, शांति से वो लेटर सुनने लगी। उसने क्या लिखा था देखिए, डियर मिस मेसन हाउ आर यू एंड द रूम 13 प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप द 100 ड्रेसेस बिकॉज आई इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट। आई डू लाइक दैट द गर्ल पेगी टू हैव द drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have a blue one for Christmas. I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. अब उसने बहुत अच्छे से लेटर लिखा वेंडा ने, और उसने अपने टीचर को कहा कि कैसे हैं सब अपने उनके क्लास में, और सारे जो बच्चे हैं उनको कहें कि वो 100 ड्रेसेस रख सकते हैं, और यहाँ उसके नए घर में उसके पास बहुत सारे दूसरे 100 ड्रेसेस हैं जो लाइंड अप है अपने क्लोजेस्ट में। और उसने मेंशन किया कि पेगी को वो ग्रीन ड्राइंग ड्रेस दी जाए और उसकी फ्रेंड मैडी को वो ब्लू वन एज अ क्रिसमस। और उसने कहा कि वहाँ का स्कूल वो मिस करती है, यहाँ का स्कूल और यहाँ के जो नए टीचर हैं आपके जैसे इतनी इक्वली नहीं है, और है मैरी क्रिसमस सबको कहा उन्होंने। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑल द हाउस हैड प्रेस्ड एंड holy in the windows outside the grocery stores hundreds of Christmas trees were stacked and in the windows candy peppermint sticks and the copious of shiny transparent paper were strung the air smelled like Christmas and the light shining everywhere reflected different colors of the snow। अब जब वो लोग अपने घर जा रहे थे मैडी और पेगी अपने स्कूल से, वो सब जगह उनको बहुत अच्छे ब्राइट क्रिसमस डेकोरेशंस दिख रहे थे। दस बॉय सेड पेगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीवन एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दैट्स दैट। अब वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि वो खुश हैं कि वेंडा पेट्रोल्स की को उनका लेटर मिल गया, और ये उसका तरीका है हमें कहने का कि सब कुछ सही है, उसको कुछ बुरा नहीं लगा। आई होप सो सेड मैडी सैडी, मैडी ने सोचा कि हाँ शायद दुखी होगा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग राइट बिटवीन दैम। वो ऐसा दुखी क्यों थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वापस कभी वो वेंडा पेट्रोल्स को देख नहीं सकती। वो शर्माई हुई अपने आप को उस सिचुएशन में शर्मिंदगी महसूस करते हुए, उसको कभी वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाएगी, ऐसा उसके मन में ये दुख था। किसके मन में? मैडी के मन में। शी वेंट होम एंड शी लाइंड पिंड हर ड्रॉइंग्स ओवर अ टर्न
paste in the pink flowered wallpaper in the bedroom, the shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her anyway. अब उसने अपने घर जाकर मैडी ने उस सुंदर सी ड्राइंग को एक बेजान सी वॉल पे लगाया था, मगर वो वॉल उस कलर्स के कारण बहुत अच्छी उठकर आ गई थी. अब वैंडा को लग रहा था वैंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे, उसे लगा कि इसलिए वो उसको सर गिफ्ट कर रही है. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर हर. अब मैडी को लगा कि वैंडा हमेशा हमारे साथ अच्छी रही, हमने बोली उसका कितना भी बुरा किया हो, तो ये सोचकर उसकी आंखों में पानी आ गए. शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उस पिक्चर को देखती रही, घूरती रही बहुत देर तक. देन हेसिटेटली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, उसने एकदम से फिर अपनी आंखों को रब किया और ध्यान से देखा. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्रॉइंग. फिर उसने उस कलर्स के द ब्राइट अट्रैक्शंस के कारण उस ड्रॉइंग के फेस को भी नोटिस नहीं किया. अब उसने जाकर उस फेस को नोटिस किया, बट इट लुक्ड लाइक हर. वो फोटो में जो ब्लू ड्रेस का जो फेस था वो किसके जैसा था, मैडी जैसा था. मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. वाई इट्स रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वैंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगीज. अब उसे लगा कि वैंडा ने वाकई में ये ड्रेस उसी के लिए बनाई थी, मैडी के लिए, क्योंकि उसका फेस बिल्कुल मैडी जैसा ही रिजेंबल कर रहा था. और तुरंत दौड़ के वो पेगी के घर गई. पेगी, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेर वैंडाज ड्रॉइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर डिड नॉट लिक did look like Peggy. What did I say, said Peggy. She must have really liked us anyway. Yes, she must have, urged Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in the sunny spot of the schoolyard, looking sturdily over at the group of girls laughing after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. अब यहाँ पर जो है पेगी के घर जब मैडी दौड़ के गई, उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ उसके रूम में गई, जहाँ उसने वैंडा की जो ड्राइंग है बेड के ऊपर उल्टी डाल रखी थी, उसने जाके उठाया और कहा कि देखो इसमें जो ड्रेस है उसका जो चेहरा है उस गर्ल का, वो तेरे जैसा है पेगी, देखो तुम उसी, उसने तुम्हारे लिए ये ड्रॉ किया है. वो खुश हो गए. वहाँ पर पेगी ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो हमें पसंद करती है, रियली लाइक डस एनी वे. यस शी मस्ट है, उसने मैडी ने एग्री किया कि हाँ शायद. और उसने ब्लिंक अवे द टीयर्स, आंखों में जो आंसू थे उसको साफ किए. केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ, जब हमेशा आ जाते थे जब वो उसके बारे में सोचती थी, जब उसे चिढ़ाया जाता था वैंडा पेट्रोस की, वो स्कूल यार्ड में बच्चे सब उसके पास आसपास खड़े हो जाते, हंसते रहते थे और उसे हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ देम ऑल लाइंड अप. ये मैडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई जब उसे पता चला कि उसने उन दोनों के लिए ही वो ड्राइंग बनाई थी, उसका फेस उस ब्लू ड्रेस में मैडी के लिए और ग्रीन वाले में शायद पेगी के लिए. तो वो बहुत उसको सेटिस्फैक्शन मिला, उसे लगा कि शायद वो हमें पसंद करती, उसके अंदर का जो गिल्ट था शायद थोड़ा सा दूर हो रहा था उस चीज़ के कारण, जो हमेशा वो फील करती थी कि कैसे हम लोग सब उसे एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, और 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द वन, उसका जवाब होता था और सब उसी बात पर उसके साथ हंसा करते थे. और यहाँ पर 100 ड्रेसेस पार्ट टू चैप्टर कंप्लीट होता है. होप आपको समझ में आया है कि ये चैप्टर यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इन होल यहाँ पे ये क्या रिवील करता है कि कैसे बच्चे जो हैं आपस में किसी बच्चों के साथ कैसे वो, यहाँ पे जो पेगी का जो नेचर दिखाया है वो वाकई में ऐसा नहीं है. उसने ऐसा क्यों कहा यहाँ पर वैंडा के साथ, क्योंकि वैंडा ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने उस चीज़ को दबाने के लिए ऐसा कहा शायद कि 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, मगर उसने भी झूठ नहीं बोला था वैंडा ने, क्योंकि वाकई में उसने वो 100 ड्रेसेस बनाए थे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि नए कपड़े पहने या करे, मगर वो अपनी ड्राइंग्स में आर्ट्स में उसको रिवील कर कर सजा कर अपने घर पर रखा करती थी. शायद ये दोनों बच्चों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है यहाँ पर. पेगी भी बाय नेचर बहुत अच्छी थी, किसी बच्चों को टीज करने नहीं देती थी, उनके अगेंस्ट हमेशा वो खड़ी रहती थी, उनके साथ सपोर्टर बनकर. और मगर यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि आपस में चिल्ड्रंस जो हैं कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ बोलें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑन स्पॉट वहीं पे सॉल्व हो जाए. हमें हमारी लाइफ में कभी वो गिल्ट ना रहे कि शायद हमने ये ऐसा नहीं किया, अगर काश हम कर लेते तो आज हम कुछ और शायद कर पाते. तो ये बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए
कॉन्वर्जेशन क्लियर होनी चाहिए बच्चों के आपस में, बिल्कुल टू वे कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए आदान प्रदान विचारों का, ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।